हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जूनियर इंजीनियर जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने जो सीरीज चल रही है ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस की, उसका सेट नंबर 13 है। बाकी के 12 सेट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएंगे। और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, जैसे ही टाइम टू टाइम फ्री रहेंगे उसी प्रकार से PDF आपको मिलती रहेगी। PDF ज़रूर मिल जाएगी, एग्जाम से पहले रिविजन के लिए मिले चाहे कैसे भी मिले आपको। तो देखा अपना आज का जो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी नहीं किया हो। पहला क्वेश्चन अपना द हीट फ्लो थ्रो सॉलिड्स ओनली बाय। सॉलिड्स यानी जो ठोस होते हैं उसके अंदर जो हीट का फ्लो होता है, हीट का प्रवाह होता है किसके द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। सॉलिड्स के अंदर पूछा गया, तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार से कंडक्शन होता है। सॉलिड्स के अंदर अलग होता है, लिक्विड के अंदर अलग होता है, गैसेज के अंदर अलग होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया सॉलिड्स के अंदर, ऑप्शन है आपके पास कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, सेवन और विकिरण, या डज नॉट फ्लो, या फ्लो का प्रवाह ही नहीं होता है। तो देखिएगा सॉलिड्स के अंदर जो भी हीट का फ्लो होता है वो होता है कंडक्शन के द्वारा। तो अपना यहाँ जो आंसर बनेगा कंडक्शन हो जाएगा। बाकी अगर बात करोगे आप लिक्विड्स के अंदर तो होता है कन्वेक्शन के द्वारा, और गैसेज होती है उनके अंदर रेडिएशन के द्वारा। कुल मिला के लिक्विड्स होता है उनके अंदर कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन दोनों के द्वारा भी होता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया ओनली सॉलिड्स के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा चालन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आपके पास एक पूर्णतः काली बॉडी है, कोई भी काला कपड़ा है, काला ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है आपके पास, तो उसके अंदर क्या होएगा? वन विच एब्जॉर्ब्स टोटल रेडिएंट एनर्जी, वह होता है जो पूरी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कलर के अंदर ब्लैक होगा। ऑप्शन सी है वन विच डज नॉट रिफ्लेक्ट द रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वन विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएंट एनर्जी एट ऑल वेवलेंथ, वह होता है जो जितने भी रेडिएंट एनर्जी है उसको स्टोर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और चाहे वो किसी भी वेवलेंथ की हो, किसी भी तरंग दैर्ध्य की हो। तो इसका ऊपर जो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, चौथा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ध्यान दीजिएगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होगी जो चाहे किसी भी वेवलेंथ की अपने पास रेडिएंट एनर्जी हो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। दिए गए आपको एक सिंबल दे रखा है, आपको बताना कि ये किसका सिंबल है। इस तरीके का एक सिंबल है, ठीक है, इसका किसका सिंबल है? रिले का है, लाइटनिंग अरेस्टर है, फ्यूज का है, ये सर्किट ब्रेकर का है। ऑप्शन आपके पास और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा फ्यूज वायर का, ये आपका पास सिंबल है। अब देखिएगा इसको अपन हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, ध्यान में रखिएगा फ्यूज को। और दूसरी बात, इसको ओनली फेज के अंदर कनेक्ट किया जाता है, किसके अंदर? फेज वायर के अंदर, ध्यान दीजिएगा फेज वायर, या दूसरी भाषा में कहें तो लाइव वायर के अंदर कनेक्ट किया जाता है, और हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। और ये किससे बना हुआ होता है? ये बना होता है, अपन याद रखते हैं, फर्जी टीसी जानते हो, टी का मतलब टिन है यहाँ पे, और सी का मतलब शीशा है, ठीक है, टिन और लेड से, यानी टिन और शीशा से मिलकर बना हुआ होता है अपना फ्यूज वायर। ए 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सर्किट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा नहीं किया हो तो, और अपने कोई डाउट होता तो डाउट लिख दिया करो। ए 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन ए सर्किट, आपके पास 4 ओम का रजिस्टर है, कनेक्टेड है इन सर्किट, कंटेनिंग 4 वोल्ट सप्लाई, और 4 वोल्ट की सप्लाई के साथ में कनेक्ट है, आपको करंट बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट के लिए अपन लगाएंगे वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, वोल्टेज कितना हो गया? वोल्टेज है आपके पास 4 वोल्ट, तो 4 बटे रजिस्टेंस आपके पास 4, तो कुल मिला के आपका जो आंसर होगा 4/4 इन 1 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है सिलिकन, कार्बन, जर्मेनियम या फॉस्फोरस। तो देखो अपन सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इनके अंदर जो कंडक्शन बैंड, ये तो हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया इसका वैलेंसी बैंड, इनके बीच में अलग अलग गैप होता है, और इसी गैप के आधार पर ये गैप होता है, इंसुलेटर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसके बाद में सेमीकंडक्टर के अंदर जाता है, और सबसे कम होता है कंडक्टर्स के अंदर, यानी कुचालक के अंदर ये जो फॉरबिडन गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर बाद में कम होता है, और जो कंडक्टर होता है उनके अंदर ये फॉरबिडन गैप है और कम हो जाता है। तो इसी गैप के आधार पर ये डिसाइड किया गया सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की बात करिए, कुछ टेम्परेचर के बाद में ये अपना कंडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, किसके बाद में? कुछ टेम्परेचर के बाद में, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में। तो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर जो यूज में लिया जाते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम, और इन्हीं के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज में लिया जाता है वो है सिलिकॉन। तो अपना आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन के ऊपर, ध्यान दीजिएगा सिलिकॉन। अगर आपसे एग्जाम के अंदर इनसे फॉरबिडन गैप की पूछी तो जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन का कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए कितना होता है आपको बताना है। तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये वाटर बॉर्न डिजीज यानी जल जनित रोग है, जल से जनित रोग गए में भी कंट्रोल भाई किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर के डिसइंफेक्शन की वजह से, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर या डी मिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, मिनरल और डी मिनरल, और डिससलाइनेशन ऑफ वाटर, सलाइनेशन और डिससलाइनेशन देख लीजिएगा। तो जो ये होता है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है वाटर का, जो अपन डिसइंफेक्शन करते हैं उसके द्वारा, और ये किसके द्वारा करते हैं अपन, इसके लिए क्लोरीन और ब्रोमीन यूज में लेते हैं। वाटर होता है उसके डिसइंफेक्शन करने के लिए, ये कीटाणुओं को बैक्टीरिया को मारने के लिए, शुद्धिकरण के लिए अपन क्लोरीन और ब्रोमीन का मोस्टली यूज में लेते हैं। द कलर इन वाटर इज डिटरमाइंड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, जो पानी के अंदर कलर है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है आपको बताना है। पानी का कलर है कौन से उपकरण के द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर, टिंटोमीटर या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टिंटोमीटर। ध्यान दीजिएगा, टिंटोमीटर के द्वारा पानी का कलर है वो डिटरमाइंड किया जाता है। दी हाई कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ओजोन अफेक्ट्स द वेजिटेशन एंड द कलर ऑफ द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लीफ बिकम्स। अगर ओजोन का हाई कंसंट्रेशन लेवल होएगा, ओजोन गैस होती है, ओजोन परत अपनी जो रक्षा करती है, अगर ये पृथ्वी पे पहुंच रही है और ये इसका कंसंट्रेशन हाई लेवल बन चुका है, तो ये जो पेड़ पौधों के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं उसको अफेक्ट करेगी, और अफेक्ट करने के बाद में जो पत्तियों का कलर है वो किस तरीके का हो जाएगा। ओजोन गैस की वजह से पत्तियों का कलर किस कलर का हो जाएगा, सिल्वर, ब्लैक या कलरलेस या ब्राउन। आंसर जाएगा आपके पास सिल्वर, यानी चांदी कलर का हो जाएगा बिकॉज ऑफ ओजोन की वजह से। ओजोन को इफेक्ट करने वाले कई कारक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, मीथेन हो गए, ये सब कुछ किसको इफेक्ट करते हैं, इसको ओजोन को। और ओजोन का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, समताप मंडल के अंदर, और ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावाइलेट रेज से अपनी रक्षा करती है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कंसिडर्ड टू बी बून फॉर ह्यूमैनिटी। देखो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ओजोन के अंदर होता है, ओजोन लेयर के अंदर होता है, न कि समता मंडल। प्रेजेंस ऑफ ओजोन इज कंसिडर्ड टू बी बून इन ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ओजोन की जो प्रेजेंस है अगर किसके अंदर होती है वो ज़्यादा इसके लिए एज ए बेनिफिशियल होगी, तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर। और ये क्या करेगी, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है यहीं पर। लेट जी बी दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सर्फेस पे एक्सेलरेशन जी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, तो मून की सर्फेस पे एक जी की वैल्यू कितनी होगी आपको बतानी। तो हमेशा अगर अर्थ पे जी है तो मून पे हो जाती है जी बाई सिक्स, ध्यान दीजिएगा जी बाई सिक्स आपका आंसर हो जाएगा। और ये जी बराबर में ले लेते हैं जी एम बटे आर स्क्वायर, एक्सीलरेशन है ये, और ये अपना ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ध्यान दीजिएगा, और ये जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r² के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ वर्क इक्वल टू 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 1, एक जूल के बराबर कोई भी कार्य है तो वो किसके इक्वल होएगा, वाट इन टू सेकेंड, वाट पर सेकेंड, वाट पर सेकेंड स्क्वायर या वाट। देखो कार्य की बात हो रही है, जूल किसको बोल देंगे, वर्क, वर्क बोलते हैं अपन, पावर की बात करेंगे, पावर का अपना फॉर्मूला क्या होता है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से अपने को वर्क का निकाल लेते हैं, वर्क बराबर होता है पी इंटू टी, और पावर है, पावर आता है अपना किसके अंदर, वाट के अंदर आएगा, और टी किसके अंदर आएगा, सेकेंड के अंदर। तो वर्क की यूनिट है, और वाट इंटू सेकेंड को अपन जूल भी बोलते हैं, तो जूल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वाट इंटू सेकेंड, आपका आंसर हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। ए सोर्स ऑफ ए ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, आपके पास कोई सोर्स ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, और एक अनदर सोर्स है आपके पास, कोई भी सोर्स मान लीजिएगा बी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2f है। आगे देखो कह रहे हैं, यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड वेव्स इन साइंस लेबोरेटरी। देखो ये क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से ALP की हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपके लिए JEO, NTPCO या ग्रुप DO सभी के अंदर जरूर 100% इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे कह रहा है कि लेट VA एंड VB रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है VA और इसकी वेलोसिटी VB ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाई द सोर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन VB अपॉन VA क्या होगा।
इसकी वैल्यू बतानी है आपको, वी बी अपॉन वी ए क्या बनेगा। अब देखिएगा, हमेशा अगर बात करें सोर्स ए ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ अनदर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टू एफ यू टू प्रोड्यूस साइंड वेव्स इन साइंस लेबोरेटरी, लेट वी ए एंड वी बी प्रेजेंट इन द वेलोसिटी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन वी बी अपॉन वी ए क्या होगा। अब देखो, डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू होता है अपने पास फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, वेलोसिटी यानी वी ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो वी है ये प्रोपोर्शनल हो गया एफ के, और यहाँ पे वी बी प्रोपोर्शनल हो गया टू एफ के। ओके, और अपने से पूछा गया वी बी अपॉन वी ए, तो वी बी अपॉन वी ए अपना हो जाएगा वी बी क्या है टू एफ, और वी ए क्या है एफ, कैंसिल कर दीजिएगा, ओनली टू अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, आई थिंक इसका आंसर दो ही आना चाहिए। देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय ए कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। आपके पास कन्वेक्स लेंस है, इसमें कह रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज फॉर्मेड बाय कन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपकी जो इमेज की साइज है आपके ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल है। ये आप एफ मान लीजिएगा, ये टू एफ मान लीजिएगा, सेम इधर एफ और इधर टू एफ, ठीक है। आपने जहाँ पे भी इमेज रखी, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, किस डिस्टेंस के ऊपर ये रखी गई है। तो देखो, इसमें अगर आप टू एफ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो आपकी ये जो इमेज बनेगी इस तरीके से, और ये इसके इधर से होके गुजरेगी, और ये जो इमेज बनेगी टू एफ पे बनेगी, और दोनों इमेज बिल्कुल इक्वल बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो किस डिस्टेंस के ऊपर है, तो आंसर हो जाएगा टू एफ डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर ऑफ रेड इज 1 सेंटीमीटर हैज द रेजिस्टेंस, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। तो देखो, आपके पास दे रखे लेंथ दे रखी है, आपको रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है, आपको रेजिस्टिविटी बतानी है। तो R बराबर होता है रो एल अपॉन ए, ध्यान दीजिएगा रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे आपको दे रखी है रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, किसका भाग दोगे, 100 का भाग दे देंगे। रेडियस होगी आपके पास 1 सेंटीमीटर यानी 1/100 मीटर, या कहोगे तो 0.01 मीटर होगी रेडियस। अब ए निकालना है तो ए के लिए आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर लगाओगे, तो आपका हो गया पाई इंटू 0.01 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। आर आपको निकालना है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, रो निकालनी है तो लिख लीजिएगा, रो बराबर हो गया आपके पास आर इंटू ए अपॉन एल, आर की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा आपके पास पाई, पाई की वैल्यू लिख लीजिएगा 3.14, इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.01 × 0.01, अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में एल है, एल के लिए फिर से क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को फिर से मीटर में बदल लीजिएगा 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ 4 मेटल इज इन ऑर्डर, 4 मेटल से उनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे रखी है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, देखिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सी रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी के लिए सही है। अब देखिएगा, अगर इसमें आपको रिएक्टिविटी दे रखी है तो एच जी को सी ओ एफ ई और जेड एन रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, यानी जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी वो अपने ही ओर से किसी भी मॉलिक्यूल से वो इसको रिफ्लेस कर देगा। अब बात करोगे कॉपर को कौन हटाएगा, कॉपर को फेरस और जिंक हटाएंगे, इसी बार फेरस को कौन रिप्लेस करेगा, ओनली जिंक करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वही इसको रिप्लेस करेगी। अब आपके पास ऑप्शन है, देखो कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे कॉपर है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, फेरस को, क्या कॉपर फेरस को कर सकता है, कॉपर फेरस को कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या कॉपर है एजी को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर है वो एज को रिप्लेस कर सकता है, बिल्कुल इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है यानी ये रिप्लेस कर सकता है। यहाँ पे कॉपर जिंक को कर रहा है तो कॉपर जिंक को कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। यहाँ पे एच जी सी ओ को कर रहा है तो एच जी सी ओ को कर सकता है, नहीं कर सकता, तो अपना आंसर हो जाएगा ये, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वही उसको रिप्लेस कर सकता है। इसमें बताना है कि आपको व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ डिजॉल्व्ड सोडियम सल्फेट इन वाटर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ आयंस बताने जो आपको मोल दे रहे हैं। देखो ये 1 मोल है, ये यहाँ पे 2 मोल हो गए और यहाँ पे 1 मोल है,
एक मोल के अंदर कितना होता है, 6.02 × 10³³ आइन्स होते हैं एक मोल के अंदर। तो यहाँ पे कितने मोल हो गए टोटल, देखो दो और एक तीन हो गए, तो इसको डायरेक्ट तीन से गुणा कर दीजिएगा, 36.18.0206 × 10³³ आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस डिसोल्यूशन ऑफ। देखिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन से एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का सॉल्यूशन है। एंडोथर्मिक अपन बोलते हैं उष्माशोषी, एक तो होती है उष्माक्षेपी जिसके अंदर हीट निकलती है, और जिसके अंदर उष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं उष्माशोषी या एंडोथर्मिक, ध्यान दीजिएगा। और हीट निकलेगी यानी ये गर्म रहेगा, और ये उष्माशोषी होएगा यानी ये ठंडा रहेगा। तो ठंडी प्रोसेस कौन कौन सी आपको बताना है, NH4Cl इन वाटर, NaOH इन वाटर, क्विक लाइम इन वाटर, ये तो अपन जानते हैं पानी चूने को पानी में डालते ही गर्म हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर। तो देखो इनमें से बताना है, तो करेक्ट आंसर जाएगा अपना NH4Cl को अगर आप वाटर के अंदर इंक्लूड करोगे तो उष्मा का अवशोषण होएगा और पानी आपका वो ठंडा हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ फोर डिफरेंट सॉल्यूशन, चार सॉल्यूशन आपके पास इनकी पीएच अलग अलग दे रखी है, आपको बताना कि उनमें से कौन सा बेसिक साल्ट है, क्षारीय कौन से। तो क्षारीय ऑब्वियसली वही रहेगा जिसकी पीएच वैल्यू है 7 से ग्रेटर हो, इधर तो हो गया एसिडिक और इधर हो जाएगा बेसिक। अब बेसिक किसका है देख लीजिएगा, 7 से ज़्यादा किसकी है, ओनली इसकी आ रही है, और ये कौन है जेड, यानी जेड है वो बेसिक है इन नेचर, तो आंसर हो जाएगा जेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, किस दिए गए नंबर में से ग्रुप्स में से किस में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम है। अब देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम उसी में होंगे जिस जो एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, सेम ग्रुप चाहे वो ग्रुप कोई सा भी हो, एक से लेके जो भी है गिनते में बनते हैं। लास्ट वाला ग्रुप होता है जैसे ग्रुप 18, उसके अंदर जीरो वैलेंसी होते हैं। तो देखिएगा एक ही ग्रुप के अंदर आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं, आप देखोगे है ली ना की, ये तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के अंदर आते हैं, लिथियम है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो देखो एक ही ग्रुप के अंदर आएंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे, इसका मतलब है इनकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी, और वैलेंसी इनकी रहेगी वो एक रहेगी, तो अपना आंसर जाएगा इसके ऊपर। पीरियोडिक टेबल याद है, याद होने से अपना इसमें कम बनेगा। विच पार्ट ऑफ द लीफ मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के अंदर पत्तियों का कौन सा भाग होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषण में भाग लेता है। तो कार्बन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं वो होते हैं स्टोमेटा के अंदर, पत्तियों के ऊपर एक छिद्र से होते हैं स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के अंदर होती है, और जो क्या करती है CO2 प्लस H2O ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ में C6H12O6 भी प्रोवाइड करेगी, तो आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब होता है जो वैक्यूम के अपोजिट हो, अपोजिट टू वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होता है उसके अंदर किया गया कार्य कितना होता है आपको बताना है, तो इसके अंदर कार्य होता है हमेशा इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमेशा, तो वो किसका फंक्शन होता है, तो वो होती है हमेशा टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी है उसका फर्स्ट रूल रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी रिलेटेड टू टेम्परेचर। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स आर लिव द सिस्टम इज कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट नहीं एंटर करती है नहीं लिव करती है उसको आप क्या कहोगे, तो उसको बोलते हैं अपन आइसोएंट्रोपिक बोलते हैं, जिसके अंदर हीट है नहीं एंटर करती है नहीं लिव करती है, हीट की बात हो रही है। तो ये था सेशन सेट नंबर 13, जब भी हो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के अंदर अपने डाउट जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियोस को ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दिया करो, क्योंकि व्यूज़ आने से ही मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन आने से ही काम करने का मन करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।